अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल ESY लर्निंग। होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, द सब्सटेंस व्हिच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो उसको सॉलिड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद वन अनदर। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं। दे हैव ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। ये मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजिशन पर बैक और फोर्थ मोशन करते हैं, यानी सिर्फ आगे और पीछे हरकत करते हैं, जो वाइब्रेशनल मोशन होती है। लिक्विड, द सब्सटेंस व्हिच हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड इट टेक्स द शेप ऑफ अ वेसल इन व्हिच इट इज कैप्ड इज लिक्विड। ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन उसकी शेप फिक्स ना हो, और अगर उसे किसी भी वेसल में पोर किया जाए तो वो उस वेसल की शेप को अटेन कर ले, इसको लिक्विड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड नहीं होते। द पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड। मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती एंड दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, और ये तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। गैसेस, द सब्सटेंस व्हिच हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट टेक द शेप ऑफ वेसल इन व्हिच इट इज कैप्ड and occupies all the space available to it is called gas. ऐसा substance जिसकी ना definite shape हो ना definite volume हो और उसे जिस vessel में डाला जाए वो उस vessel की shape को attain कर ले और उस vessel की सारी space को cover कर ले, उसे gas कहते हैं। Characteristics, in gaseous state molecules are lying far away from one another and they can move in all directions easily. Gaseous state में molecules एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और ये तमाम directions में move कर सकते हैं। The cohesive forces in a gas are negligible. Cohesive forces is a kind of intermolecular forces. Cohesive force gases में negligible होती हैं and the particles are free to move. और particles आसानी से move कर सकते हैं अब तमाम directions में। ये states of matter हैं, solid, liquid और gas. इनके particles आपको दिखाए हुए हैं कि solid state में particles एक दूसरे से बहुत tightly packed होते हैं, जबकि liquid state स्टेट में मॉलिक्यूल्स कुछ एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। Now the kinetic molecular theory, the theory which is associated with the kinetic energy of molecules is known as kinetic molecular theory. ऐसी theory जो molecules की kinetic energy से related हो उसे kinetic molecular theory कहते हैं। Postulates of kinetic molecular theory, matter is composed of very tiny particles which are called as molecules. Matter बहुत छोटे particles से मिलकर बनता है जिसको molecules कहते हैं। These molecules are always in motion and they possess kinetic energy. ये molecules हर वक्त motion में रहते हैं और इनके पास kinetic energy होती है। The three states of matter depend upon the arrangement, motions and forces of attraction between these particles. Matter की तीनों state depend करती हैं particles की arrangement पर, motions पर और उनके दरमियान force of attraction पर। Movement of molecules depend upon temperature. Molecules की movement depend करती है temperature पर. It increase with the increase in temperature. Molecules की movement increase हो जाती है जब temperature increase होता है and decrease with the decrease in temperature. और molecules की movement decrease हो जाती है जब temperature decrease होता है. States of matter on the basis of kinetic molecular theory. Number 1, solid state.
In solid state, molecules or particles are tightly packed with one another and they have only back and forth motion, that is vibrational motion about their fixed position. Solid state में molecules या particles एक दूसरे के साथ tightly packed होते हैं और ये सिर्फ back और forth motion कर सकते हैं, जिसको vibrational motion कहते हैं, अपनी fixed position पर. Particles in solid cannot slip or slide one another and hence they possess definite shape and definite volume. Solid के जो particles हैं वो slip नहीं कर सकते और एक दूसरे के ऊपर slide नहीं कर सकते, इसीलिए इनकी definite shape और definite volume होता है. Liquid state. In liquid state, molecules are not tightly packed with one another. Liquid state में molecules एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा tightly packed नहीं होते. Their positions are not fixed and they can move in all directions. इनकी positions fixed नहीं होती और ये तमाम directions में हरकत कर सकते हैं. Therefore, liquid does not have any definite shape. इसीलिए लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती. इन लिक्विड स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस देन गैसियस स्टेट. लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है गैसियस स्टेट से. देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन गैसियस स्टेट. इसीलिए लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं गैसियस स्टेट से. ड्यू टू दीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम. और इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है. गैशियस स्टेट. इन गैशियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम वन अनदर एंड दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस इजीली. गैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और ये तमाम डायरेक्शंस में आसानी के साथ हरकत कर सकते हैं. द कोहेसिव फोर्सेस इन अ गैस आर नेग्लिजिबल स्मॉल एंड द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस. गैसेस में जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होती हैं, यानी बहुत कम होती हैं, और गैस के पार्टिकल्स इजीली तमाम डायरेक्शंस में हरकत कर सकते हैं. The kinetic energy possessed by these molecules are very high. Gaseous state के molecules में kinetic energy बहुत high होती है. Therefore, gases have neither definite shape nor definite volume. इसलिए gases की ना definite shape होती है और ना ही definite volume होता है. Sublimation. Some solids upon heating instead of changing into liquid state are converted directly into gaseous or vaporous state. This process is called sublimation. Kuch solids jinko heat kiya jaye to wo liquid state mein convert hone ke bajaye directly gaseous state mein convert ho jaye, is process ko sublimation kehte hain. Examples: iodine, ammonium chloride and naphthalene etc. Melting point. The temperature at which solid starts to change into liquid state is called melting point. Aisa temperature jis par solid change ho jaye liquid state mein, use melting point kehte hain. Explanation: when a solid is heated, jab solid ko heat karte hain, then the kinetic energy of particles increases and it becomes hot. तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो गर्म हो जाते हैं. इफ हीटिंग इज कंटिन्यूड देन एट सर्टेन टेम्परेचर, अगर हीटिंग को कंटिन्यू रखें फिक्स टेम्परेचर पर, द एडेड एनर्जी बिकम्स इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन देयर फिक्स पोजिशन एंड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. जब हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे एक फिक्स टेम्परेचर पर, तो जो उसमें एनर्जी एड होगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेगी, पार्टिकल्स को उनकी फिक्स पोजीशंस पर होल्ड कर रखेगी और सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. The temperature at which solid starts melting is called melting point. ऐसा temperature जिस पर solid start हो जाए melt होना, उसको melting point कहते हैं. At this point, solid particles lose their fixed position as well as their arrangement. इस point पर solid के particles अपनी fixed position को lose कर देते हैं और अपनी arrangement को भी. And thus solid is converted into liquid or solid convert हो जाता है liquid state में. Fusion. The state at which liquid and solid state coexist is called a fusion.
ऐसी स्टेट जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर सकें उसको फ्यूजन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, एट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन सेम। मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर सेम रहता है अंटिल ऑल द सॉलिड इज मेल्टेड थ्रू हीट, जब तक सॉलिड मेल्ट ना हो जाए हीट के जरिए। इट मीन्स इन दिस कंडीशन द राइज इन टेम्परेचर इज यूज इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड to liquid and this change is called fusion. इसका मतलब ये है कि इस condition में जब temperature बढ़ता है तो वो use होता है state को change करने में solid से liquid में, और इस change को fusion कहते हैं। Evaporation, the process in which liquid changes into vapors at any temperature is called evaporation. ऐसा process जिसमें liquid change हो जाए vapors में किसी भी temperature पर उसे evaporation कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को गर्म करते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी सर्टेन मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं एंड दिस एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इन मॉलिक्यूल्स के बाहर आने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। वेपराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस ऑन बॉइलिंग इज कॉल्ड वेपराइजेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज हो जाए गैस में बॉईल करने से इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, एट बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन सेम अंटिल ऑल द लिक्विड इज वेपोरेटेड और वेपराइज थ्रू हीट। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का टेम्परेचर सेम रहता है जब तक तमाम लिक्विड इवेपोरेट या वेपराइज ना हो जाए। It means in this condition the rise in temperature is used in the change of state from liquid to gas. इसका मतलब ये है कि इस condition में temperature का बढ़ना इस्तेमाल होता है state को change करने में liquid से gas में, and this change is called vaporization, और इस change को vaporization कहते हैं। Boiling point, the temperature at which liquid starts to change in gaseous state is called boiling point. ऐसा temperature जिस पर liquid change हो जाए gaseous state में इसको boiling point कहते हैं। Explanation, on heating at certain temperature, एक fixed temperature पर अगर heat किया जाए, the vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure. तो जो liquid का vapor pressure होगा वो equal हो जाएगा बाहर के pressure के। And at this temperature, liquid starts boiling. और इस temperature पर liquid boil होना start हो जाएगा। This temperature is called boiling point. और इस temperature को boiling point कहते हैं। At this point, इस point पर bubbles of vapors are able to form within the interior of liquid. Vapors के बबल इस काबिल हो जाते हैं कि वो लिक्विड के अंदर बनना शुरू हो जाएं एंड देन राइज टू द सरफेस, और वो फिर लिक्विड की सतह पर आना शुरू हो जाते हैं वेयर दे बर्स्ट एंड रिलीज वेपर्स एंड थस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, वहां ये बर्स्ट हो जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं वेपर्स और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ इसको डिफ्यूजन कहते हैं। The rate of diffusion of a substance depend upon its molar mass or density. किसी भी substance का rate of diffusion depend करता है उस substance के molar mass के और उसके density के। Explanation: It is observed that when a sample of gas is set free in one part of the closed container, ये observe करना है कि अगर एक gas को एक क्लोज कंटेनर में फ्री छोड़ा जाए, इट मॉलिक्यूल्स वेरी क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी उस कंटेनर में स्प्रेड हो जाएंगे। इन सम केसेस वी कैन स्मेल अ गैस, कुछ केसेस में हम गैस को स्मेल कर सकते हैं एज इट डिफ्यूजेस थ्रू आउट द क्लोज रूम, अगर वो एक बंद रूम के अंदर डिफ्यूज हो जाए। डायग्राम में आपको 4 कंटेनर्स दिखाए हुए हैं। फर्स्ट कंटेनर में लंप ऑफ शुगर को ऐड किया,
सेकंड कंटेनर में वो शुगर कुछ डिफ्यूज हो गई, थर्ड कंटेनर में शुगर मजीद डिफ्यूज हो गई और फोर्थ कंटेनर में शुगर के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो गए। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी। किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलर मास या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। मैथमेटिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के। वेयर आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, एम इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, एम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है और डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। Explanation: The spreading of a substance through medium like air or liquid is called diffusion. Air या liquid जैसे medium के जरिए substance के spread होने के process को diffusion कहते हैं। The rate of diffusion of a substance depend upon its molar mass or density. किसी भी substance का rate of diffusion depend करता है उस substance के molar mass के या उसकी density के। Therefore, lighter gases can diffuse faster than heavier gases. इसीलिए lighter gases ज्यादा जल्दी diffuse होती हैं heavier gases से। Hydrogen gas diffuses 4 times faster than oxygen gas at similar condition. Hydrogen gas oxygen gas से 4 गुना तेज diffuse होती है क्योंकि hydrogen gas lighter होती है जबकि oxygen gas heavier होती है। Diffusion of liquids. Liquid is intermediate between gaseous and solid state. Gaseous और solid state के दरमियान liquid है। Like gases, liquid molecules are able to move. Gases की तरह liquid के molecules भी हरकत करने के काबिल हैं and thus flow and diffuse. इसीलिए वो flow करते हैं और diffuse हो जाते हैं। Therefore, the rate of movement of liquid molecules is smaller than gases. Liquid के molecules का rate of movement कम है gases के molecules से. Hence, they diffuse slower than gases. इसीलिए liquid के molecules slowly diffuse होते हैं gases के molecules से. Example, when we drop 2 or 3 drops of blue ink in water of a beaker. एक beaker में पानी लें और इसमें 2 या 3 drops blue ink के डालें. It is seen that blue color of ink spreads slowly in water. तो ये नजर आएगा कि blue color ink का बहुत slowly spread हो रहा है पानी में and the whole water becomes bluish after some time. और कुछ time के बाद पूरा पानी blue color का हो जाएगा. It means that diffusion also occurs in liquid. इसका मतलब ये है कि diffusion liquids में भी होती है but the rate of diffusion in liquid is slower than gases. लेकिन liquid में डिफ्यूजन का रेट कम है गैसेस से। लास्ट टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट, अ कंटिन्यूअस रैपिड ज़िगज़ैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मीडियम। किसी भी मीडियम के जरिए पार्टिकल्स की कंटिन्यूअस रैपिड ज़िगज़ैग मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। Explanation: The free movement of the molecules of gases and liquid called Brownian movement. Gases के molecules और liquid के molecules की free movement को Brownian movement कहते हैं. If a drop of liquid with particles suspended in it, it is observed under a microscope. अगर liquid के drop को उसके particles के साथ किसी भी चीज पर डाल दिया जाए और उसे microscope में observe किया जाए, it is seen that the particles are not at rest. तो ये नजर आएगा कि particles rest state में नहीं है but they are moving in all direction in zigzag motion. और ये particles तमाम direction में move कर रहे हैं zigzag motion में. This motion is called Brownian movement और इस motion को Brownian movement कहते हैं. Experimental explanation: Mix some powdered sulfur in water and stir it. पानी में powdered sulfur को mix करें और उसको stir करें. After stirring, filter the suspended sulfur. Stir करने के बाद
उस सल्फर के मिक्सचर को फिल्टर करेंगे। सम ऑफ द सल्फर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ सल्फर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, एंड दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर इनटू फिल्ट्रेट। तो जो सल्फर के पार्टिकल्स छोटे हैं वो फिल्टर पेपर के जरिए पास हो जाएंगे और फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस फिल्ट्रेट ऑन अ स्लाइड। अब उस फिल्ट्रेट का ड्रॉप लेना है और उसे स्लाइड पर रखना है एंड एग्जामिन इट अंडर हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप, और एक हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के जरिए उसे एग्जामिन करना है। कंक्लूजन, इट इज ऑब्जर्व दैट सल्फर पार्टिकल्स परफॉर्म रैपिड रैंडम जिगजैग मोशन थ्रू द मीडियम एंड दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि सल्फर के पार्टिकल्स रैपिड रैंडम और जिगजैग मोशन कर रहे हैं मीडियम के जरिए, और इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नाउ विल डिस्कस वीकली होमवर्क असाइनमेंट नंबर 16। इस असाइनमेंट में चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर को ऐड किया है। टास्क नंबर 1 में आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है और टाइटल पेज बनाना है। टास्क नंबर 2 में आपने ऑब्जेक्टिव्स करने हैं बुक से, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, रजिस्टर में नोट करने हैं। थर्ड टास्क, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टास्क नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टास्क नंबर 5, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। टास्क नंबर 1 में आपने चैप्टर रीड करना है टेक्स्ट बुक से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और टाइटल पेज बनाना है। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक एंड मेक अ टाइटल पेज। चैप्टर नंबर 6, स्टेट्स ऑफ मैटर, डेट नोट करेंगे। टास्क नंबर 2 में आपने ऑब्जेक्टिव्स करने हैं बुक से देखकर, खुद आपने ये सॉल्व करने हैं रजिस्टर में। टास्क नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। गिवन टर्म्स को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। टास्क नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। गिवन टर्म्स को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। नंबर 1, सब्लिमेशन। सम सॉलिड्स अपॉन हीटिंग इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट आर कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड्स को हीट करें तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने के बजाय डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज हो जाए वेपर्स में किसी भी टेम्परेचर पर, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड स्टेट में, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू चेंज इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर के जिस पर लिक्विड चेंज हो जाए गैसियस स्टेट में, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फ्यूजन, द स्टेट एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट इज कॉल्ड फ्यूजन। ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकें, उस स्टेट को फ्यूजन कहते हैं। वेपराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस ऑन बॉइलिंग इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज हो जाए गैस में बॉइल करने से, उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, A continuous rapid zigzag motion of suspended particles through the medium is called Brownian movement. किसी भी मीडियम के जरिए पार्टिकल्स की रैपिड zigzag motion को Brownian movement कहते हैं। Task number 4, answer the following questions. 4 questions given हैं। Question number 1, define matter. How many states of matter are there? Define them 2. मैटर को डिफाइन करना है, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं ये बतानी है, और हर स्टेट को भी डिफाइन करना है। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरे, उसे मैटर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, The substance which has definite shape and definite volume is called solid. ऐसा substance जिसकी shape fix हो और volume भी fix हो, उसे solid कहते हैं।
Liquid, the substance which has a definite volume but no definite shape. ऐसा substance जिसका volume तो definite हो लेकिन उसकी shape definite ना हो. And it takes the shape of a vessel in which it is kept. Is called liquid. और उस substance को अगर किसी vessel में डाला जाए और वो उस vessel की shape में ढल जाए उसे कहते हैं liquid. Gas. The substance which has neither definite shape nor definite volume and it takes the shape of a vessel in which it is kept and occupies all the space available in it is called gas. ऐसा substance जिसकी ना fixed shape हो ना fixed volume हो और अगर उसे किसी भी vessel में डाला जाए तो वो substance उस vessel की shape में ढल जाए और उस vessel की तमाम space को cover कर ले उसे gas कहते हैं. Question number 2. What is kinetic molecular theory and what are its postulates? Kinetic molecular theory kya hai aur uske postulates kya hai? Kinetic molecular theory, the theory which is associated with the kinetic energy of molecules is known as kinetic molecular theory. ऐसी थ्योरी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हो उसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं. पोस्टुलेट्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक नंबर 1 मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं. नंबर 2 द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन एंड दे पजेस काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत में रहते हैं और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. नंबर 3 द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट मोशन एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स. मैटर की तीनों स्टेट्स डिपेंड करती हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पर, उनकी मोशन पर और पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर. क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैस. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखने हैं सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए. पोस्टुलेट्स ऑफ KMT मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर सॉलिड स्टेट. इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद वन अनदर. दे हैव ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट देयर फाइनल पोजीशन. सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं और ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पर, यानी सिर्फ आगे और पीछे हरकत करते हैं. पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन नॉट स्लिप और स्लाइड ओवर वन अनदर एंड हेंस दे पजेस डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड के पार्टिकल्स न स्लिप होते हैं न एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसीलिए सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है. For liquid state, in liquid state, molecules are not tightly packed with one another. Liquid state में molecules एक दूसरे के साथ tightly packed नहीं होते. Their positions are not fixed and they can move in all direction. Molecules की position भी fixed नहीं होती और ये तमाम directions में हरकत कर सकते हैं. Therefore, liquid has no definite shape. इसीलिए liquid की कोई definite shape नहीं होती. In liquid state, the kinetic energy of molecules is less than gaseous state. Therefore, intermolecular forces are greater than gaseous state. Liquid state में molecules की kinetic energy कम होती है gaseous state से. इसीलिए liquid state में intermolecular forces ज़्यादा होती है gaseous state से. Due to these intermolecular forces, liquid has a fixed volume. और इसी intermolecular forces की वजह से liquid का fixed volume होता है. For gaseous state, in gaseous state, molecules are away from one another and they can move in all directions easily. Gaseous state में molecules एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और ये तमाम directions में easily हरकत कर सकते हैं. The cohesive forces in a gas are negligible and the particles are free to move in all directions. Gases में जो cohesive forces होती हैं वो बहुत कम होती है, इसीलिए particles easily तमाम directions में हरकत कर सकते हैं. द
The kinetic energy possessed by these molecules are very high, therefore gases have neither definite shape nor definite volume. Gases के molecules की kinetic energy बहुत high होती है, इसीलिए gas का कोई fixed shape और कोई fixed volume नहीं होता. Question number 4, state and explain Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion को define करना है और explain करना है. Heading, Graham's Law of Diffusion. Subheading, Introduction. A Scottish chemist, Thomas Graham, in 1846 studied the rate of diffusion of different gases and formulated Graham's Law. एक स्कॉटिश केमिस्ट थे जिनका नाम थॉमस ग्राहम था. उन्होंने 1846 में डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया और ग्राम्स लॉ को फॉर्मुलेट किया. इस स्टेटमेंट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी. गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैसेस के मोलर मास या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के. मैथमेटिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के. वेयर आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन. R का मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन. M इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास. M मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है. D इज इक्वल्स टू डेंसिटी और D का मतलब है डेंसिटी. Explanation: The spreading of substance through medium like air or liquid is called diffusion. Air or liquid जैसे medium के जरिए किसी भी substance का spread होना, इस process को diffusion कहते हैं. The rate of diffusion of substance depends upon its molar mass or density. किसी भी substance का rate of diffusion depend करता है उस substance के molar mass के या उसकी density के. Therefore, lighter gases can diffuse faster than heavier gases. इसीलिए लाइटर गैसेस ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाती है हैवियर गैसेस से. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस कैन डिफ्यूज 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस एट सिमिलर कंडीशन. हाइड्रोजन गैस 4 गुना ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन गैस से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइटर है और ऑक्सीजन गैस हैवियर है. टास्क नंबर 5, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के आपने रीजन देने हैं. नंबर 1, व्हाई इट इज इजियर टू कंप्रेस द गैस देन सॉलिड. गैस को कंप्रेस करना क्यों आसान है सॉलिड से. रीजन, द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड. गैसेस के पार्टिकल्स की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड. डेट्स वाई वेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन गैस, इसीलिए जब हम गैस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ब्रेक्स बिटवीन ईच पार्टिकल, तो हर पार्टिकल के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्स टूट जाएगी एंड मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. देयरफॉर इट इज इजियर टू कंप्रेस द गैस देन सॉलिड, इसीलिए गैस को कंप्रेस करना आसान है सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है. नंबर 2, व्हाई सॉलिड्स हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम क्यों होता है. रीजन, इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद वन अनदर. सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं एंड दे हैव ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन वाइब्रेशनल मोशन अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, और ये पार्टिकल्स सिर्फ आगे पीछे हरकत कर सकते हैं जिसको वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं. देयरफॉर पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन नॉट स्लिप और स्लाइड ओवर वन अनदर, इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स स्लिप नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं. And thus they possess definite shape and definite volume. इसीलिए solid की fixed shape और fixed volume होता है. Why liquid has only definite volume but no definite shape? Liquid के सिर्फ definite volume क्यों होता है और definite shape क्यों नहीं होती? Reason:
Liquid does not have any definite shape because the particles are not tightly packed with one another. Liquid की fixed shape नहीं होती क्योंकि liquid के particles बहुत ज़्यादा tightly packed नहीं होते. But in liquid state, the kinetic energy of molecules is less than gaseous state. पर liquid state में molecules की kinetic energy कम होती है gaseous state से. Therefore, intermolecular attractive forces are more than gaseous state. इसीलिए liquid के molecules के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं. ड्यू टू दीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम और इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. नंबर 4, व्हाई गैस हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. गैस का क्यों फिक्स्ड शेप और क्यों फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता. रीजन, द कोहेसिव फोर्स इन अ गैस आर नेग्लिजिबल एंड द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस. गैसेस में कोहेसिव फोर्सेस बहुत कम होती हैं और पार्टिकल्स इजीली तमाम डायरेक्शंस में हरकत कर सकते हैं. द काइनेटिक एनर्जी पसेस बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी हाई. इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है. देयरफॉर गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. इसीलिए गैस की न शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है. यहाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों का काम कम्प्लीट हो गया. आई होप आपको चैप्टर और असाइनमेंट समझ आ गया होगा. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज.